डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वह है कक्षा 11 गणित के अंतर्गत। आज हम पहला अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं, समुच्चय यानी सेट्स। तो समुच्चय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंडर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जॉर्ज केंडर ने समुच्चय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसका विकास किया था। तो अब आते बढ़ते हैं समुच्चय और उसके निरूपण पर। समुच्चय और उसके निरूपण में बनने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक से, आज के सेशन से, कि समुच्चय और उसका निरूपण। अब समुच्चय है क्या आखिर, सेट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी मैथ में, इसके लिए हम बहुत ही आसान भाषा समझेंगे। जैसे आप जानते हैं कि आप मार्केट जाते हैं और थैले में कई अलग अलग चीजों की सामान आप लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, किराने के सामान आप लेके आ रहे हैं। तो यदि हम हर एक सामान को अलग अलग कैटेगराइज कर दें, अलग अलग उस चीज को रखें, जैसे कि फल को हमने एक अलग थैले में रखा, सब्जियों को हमने एक अलग थैले में रखा, किराने के सामान को हमने एक अलग थैले में रखा, तो जब हम इस प्रकार से वस्तुओं को अलग अलग चीजों में कैटेगराइज करके रख रहे हैं, तो यही चीज जब हम गणित में करते हैं, यही काम जब हम गणित में कर रहे हैं, तो उसे हम सेट बोल रहे हैं। यानी जो थैला है, अब गणित में उस थैले को हम सेट बोलते हैं। किस प्रकार से करते हैं, तो ये समझिए, जैसे दैनिक जीवन में ताश की गड्डी है, व्यक्तियों की भीड़ है, क्रिकेट की टीम है, इस प्रकार के आपके संग्रह रहते हैं, वस्तुओं के संग्रह रहते हैं। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। अब अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या मतलब, कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या का और एक का भाग जाए, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि जैसे दो, दो में एक का भाग जाएगा और दो का भाग जाएगा, तीन, तीन में एक का भाग जाएगा, तीन का भाग जाएगा, चार नहीं, क्योंकि चार में एक का, दो का और चार का, तीन संख्या है। मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, तो पांच, सात, 11, इस प्रकार से। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं रहती हैं। अब हम कुछ और संग्रहों पर हम विचार करने वाले हैं। 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय संग्रह, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, भारत की नदियों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू का संग्रह, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, 210 के अभाज्य गुणनखंड। अब 210 को यदि आप तोड़ते हैं, 210 को यदि आप फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से 105 105 बार में, फिर 3 से ये 35 बार में, फिर 5 से ये 7 और ये 7 से 8। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7 हो जाते हैं। समीकरण x²-5x+6=0 के मूल का मतलब इसको आप फैक्टराइज, इसके आप गुणनखंड करेंगे, तो यदि आप गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 होंगे -2x और -3x। तो यहां से आप तोड़ लेंगे तो इसके जो मूल निकलेंगे वो 2 और 3 आते हैं। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो यहां हम देखते हैं कि उपर्युक्त प्रत्येक उदाहरण में वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है, ये कहलाई परिभाषा। इसका मतलब क्या, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट्स समुच्चय कहलाएगा। अब सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या है, ये समझिए। जैसे अगर हमने बात की भारत की नदियों का समुच्चय, भारत की नदियों का संग्रह एक समुच्चय कहलाएगा, लेकिन उस भारत की नदी के संग्रह में नील नदी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नील नदी मिस्र में है। जैसे यहां पर ये उदाहरण की बात कर रहे हैं, हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है, इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। क्या मतलब है, कि अगर हम बात करते हैं भारत की नदियों के संग्रह की, जो कि एक समुच्चय है, तो उसमें फिर नील नदी नहीं होगी, उसमें फिर अमेजोन नदी नहीं होगी, क्योंकि ये नदी भारत में नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विशेष आपके उदाहरण हैं, कुछ विशेष आपके संग्रह हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे ये मानिए कि कक्षा 11 और 12। अब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है एक से यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों का समुच्चय होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो। इसमें दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 3 इस प्रकार से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहलाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें दशमलव की संख्या और भिन्न वाली संख्या फ्रैक्शन पूर्णांक में नहीं आते। परिमेय संख्या का समुच्चय तो आपको पता है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो परिमेय और अपरिमेय या आप जितनी भी संख्याएं सोच सकते हो वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। हर तरीके की संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस को छोड़ के, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या हो, अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या हो, वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बात क्लियर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय कह दीजिए, या हर तरीके की संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आएगा। धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहां पर आपकी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यहां पर भी निगेटिव संख्या नहीं आएंगी। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो यहां पर भी निगेटिव संख्या नहीं आती। अब हम कुछ और अगर बात करें कि समुच्चय कौन नहीं हो सकता है, तो इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरभाषित संग्रह सुपरभाषित समुच्चय नहीं है, सुपरभाषित समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है समुच्चय? क्योंकि आपके लिए कोई गणितज्ञ अधिक फेमस हो सकता है, आपका कोई फेवरेट हो सकता है, किसी और व्यक्ति के लिए कोई और गणितज्ञ फेवरेट हो सकता है। तो यहां पर जब दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, जब दो लोगों के बीच में तुलना हो, तो वहां पर सुपरभाषित संग्रह नहीं बनता है। आई रिपीट, यदि दो लोगों के बीच में तुलना हो, अगर हम बात तुलना की कर दें, या आप सर्वाधिक विख्यात शब्द समझे, तो वहां पर सुपरभाषित संग्रह नहीं बनेगा। इसका मतलब यह संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। अब कुछ नोट्स पर अपन ध्यान देंगे कि समुच्चय के लिए वस्तुएं अव्यय तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द है, मतलब समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उन्हें हम ऑब्जेक्ट, मेंबर या एलिमेंट कहते हैं, जो भी चीज रहेगी। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंदर वाले होंगे उनको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये हर समय नहीं होगा। यदि क्वेश्चन में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया है एलिमेंट्स के लिए, अवयवों के लिए, तो वहां पर कैपिटल लेटर इस्तेमाल होंगे। फिर आप ये मत कहिए कि सर आपने कहा था स्मॉल लेटर और इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल लेटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पर क्वेश्चन में जो कहेगा आपको एलिमेंट में वही भरना है, ठीक है। मतलब समुच्चय में जो अवयव होगा, यदि कोई अवयव समुच्चय में है, तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट। मान लीजिए हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवेल, तो अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल ये होते हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ए कैपिटल वी में है, ई कैपिटल वी में है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए एप्सिलॉन का निशान और वी, ए एप्सिलॉन का निशान और वी। लेकिन इसको पढ़ते क्या है,
इसको पढ़ते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है। ए वी का समुच्चय, ए वी का अवयव है, ए समुच्चय वी का अवयव है, इस प्रकार से पढ़ते हैं, ए समुच्चय वी का अवयव है, इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि बी 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 फॉर बेबी, तो ये इसका समुच्चय नहीं है। जब समुच्चय नहीं है तो इज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्या कहेंगे कि बी इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल वी, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ए समुच्चय वी का अवयव है, बी समुच्चय वी का अवयव नहीं है, इस प्रकार से। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो ये निशान है, ये इस निशान को हम एप्सिलन पढ़ते हैं। इस निशान का मीनिंग, इस निशान का जो पढ़ने का तरीका है वो एप्सिलन, लेकिन इसकी जो मीनिंग मीनिंग है उसे वो बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय को लिखने की विधि। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, एक तो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम रोस्टर रूप और सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमने बात की अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो जब हमने बात की अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो आप उसको लिख रहे हैं V बराबर A E I O U, A E I O U। तो अब A E I O U ये कहलाएगा रोस्टर रूप। मतलब क्या कि किसी भी संग्रह को आपने अवयवों के रूप में लिख दिया तो वो रोस्टर रूप कहलाएगा। किसी भी संग्रह को, जैसे यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के संग्रह, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह, ठीक है, तो किसी भी संग्रह को आप अवयव के रूप में लिख रहे हो तो रोस्टर रूप कहलाएगा, और यदि उसको गुणों के रूप में, उसकी प्रॉपर्टी के रूप में लिख रहे हैं तो वो समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। कैसे, समुच्चय विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो वो हो जाएंगे आपकी 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। तो जब हम इस प्रकार से संख्याओं को लिख रहे हैं अवयव के रूप में, तो उसे हम कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों, सभी स्वरों का समुच्चय, इसको हम A E I O U के रूप में लिख रहे हैं, तो ये रोस्टर रूप है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, ... सो ऑन, तो ये भी आपका रोस्टर रूप कहलाएगा। अब इन्हीं चीजों को यदि आप गुणधर्म के रूप में लिखते हैं तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। समुच्चय निर्माण रूप हम आगे देखेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी रोस्टर रूप में अवयवों को क्रम से लिखना जरूरी नहीं है। मतलब यदि हम एक के बाद 3 लिख लें, 7 लिख लें, 21, 2, 6, 14, 42 इस प्रकार से भी लिख लें तो अभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अवयव आगे पीछे हो सकते हैं। आई होप बात क्लियर रही होगी। रोस्टर रूप में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं टिप्पणी कि यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। दोबारा नहीं लिखने का मतलब क्या है कि आप अक्षरों को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे स्कूल है तो यहां आप देख रहे हैं 2 O दिए हैं, तो लेकिन हमने एक ही O इस्तेमाल किया है। तो अगर हम स्कूल को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे कि आप मझला कोष्ठक लेंगे पहले, और उसके अंदर हम लिखेंगे SCHOL, यहां पर 2 O की जगह 1 O का इस्तेमाल करेंगे, ये कहलाता है आपका रोस्टर रूप। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप की। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि यदि हम संग्रह को गुणधर्मों के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में लिखें तो वो कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं ए ई आई ओ यू, उनको यदि हम गुण के रूप में लिखें, किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि वी
इज इक्वल टू वी बराबर, आप मतलब उत्तर लगाएंगे, एक्स लगाएंगे और ये दो बिंदु। अब इन दो बिंदु क्या कहलाएंगे आगे बताते हैं। दो बिंदु एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। एक का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि आपको ये दो बिंदु क्या कहलाते हैं। इन दो बिंदुओं को हम बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं कॉलन। इनका नाम है कॉलन, पढ़ते अलग है। जैसे यहां पर हम इस अक्षर को एप्सिलॉन पढ़ रहे थे, एप्सिलॉन नाम है इसका, लेकिन पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो v बराबर, अब इसका हम एक ही समझिए इसको पढ़ना कैसे, कि मजला कोष्टक दिया है, मजले कोष्टक को कैसे पढ़ना है, फिर x दिया है, x को किस प्रकार से, ये दो बिंदु दिए हैं किस प्रकार से पढ़ना है, तो इसका क्रम होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मजला कोष्टक लिखा है, जो मजला कोष्टक लिखा है इसको आप पढ़ेंगे इस प्रकार से, द सेट ऑफ ऑल, फिर ये स्मॉल x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, फिर ये x और फिर ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आपको क्लियर होगी बात, क्या पढ़ेंगे इसको, द सेट ऑफ ऑल x, और ये जो दो बिंदु हैं इन्हें हम कॉलन बोलते हैं, इनको पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। इन दो बिंदु को हम पढ़ते क्या है, सच दैट पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, फिर ये वाला x, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब एक स्वर का क्या मतलब है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पांच स्वर होते हैं, तो क्या हम एक इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहां कहने का एक से मतलब है कि कोई भी एक हो सकता है, वो ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी। अब कौन सा होगा ये नहीं पता, तो इसका मतलब वो सभी होंगे। यहां पर एक का मतलब सबसे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहां पर एक से मतलब सबसे है, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि कौन सा, और वो अंग्रेजी वर्णमाला में पांचों जो स्वर आते हैं वो प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप बात क्लियर है कि यदि हम रोस्टर रूप की बात करते हैं, तो रोस्टर रूप में आप अवयवों को डायरेक्ट लिख रहे हैं, और समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डअप फॉर्म में आप अवयवों को, गुणधर्मों को लिख रहे हैं, उसको प्रॉपर्टी के रूप में लिख रहे हैं, और इस प्रकार से लिख रहे हैं, मजला कोष्टक, फिर ये एक्स, फिर ये दो बिंदु जिन्हें हम कॉलन नाम है इनका, पढ़ते सच दैट है, फिर एक्स और फिर ये प्रॉपर्टी लिखते हैं। इस प्रकार से क्लियर है आपकी। अगर हम बात करें हिंदी में, तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स, फिर ये पूरा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आई होप बात क्लियर आई होगी मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार से पहला जो आपका उदाहरण है इस पे देख लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो बराबर जीरो का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो बहुत ही बात आसान सवाल है, कुछ नहीं है, आप इसको पहले सॉल्व कीजिए और गुणनखंड करना आप लोगों को आते होगा, ठीक है। तो मैं गुणनखंड पर नहीं जाऊंगा, हल करता हूँ इसको मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है। तो ये आपका दो एकम दो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो, यहाँ एक्स कॉमन है तो ये हो गया आपका एक्स प्लस टू, यहाँ माइनस एक कॉमन है तो ये हो गया आपका एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो ये निकल के आएगा आपका एक्स प्लस टू और ये निकल के आएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से इसके जो दो मूल निकले x बराबर माइनस दो और एक, तो इसको समुच्चय निर्माण समुच्चय जो है वो रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल x बराबर मजला कोष्टक फिर माइनस दो और प्लस का एक, ये आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन दिया है वो ये कह रहा है कि समुच्चय x सच दैट x, अब ये द सेट ऑफ ऑल x जो मजला कोष्टक है ये नहीं पढ़ते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो बिंदु हैं इनको हम सच दैट पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x square less than 40 को रूफ रूप में लिखिए। अब
एक्स एक धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव पूर्णांक है, और यहां दिया एक्स स्क्वायर यानी आपको 40 से छोटे जितने भी वर्ग हैं वो लेने हैं। ठीक है, तो 40 से छोटे जब आप वर्ग ले रहे हैं तो वर्ग का मतलब क्या है कि आप एक ले रहे हैं, चार ले रहे हैं, 9, 16, 25 और 36 इन वर्ग, क्योंकि यहां वर्ग की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर क्या कहलाएंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब वर्ग है, संख्या का वर्ग। तो 40 से कम वर्ग कौन कौन से हैं, 40 से वर्ग छोटे जो वर्ग है वो 1, 4, 9, 16, 25, 36। और जब हम संख्या की बात करें, क्योंकि यहां पर वर्ग नहीं है, तो जब हम संख्या की बात कर रहे हैं तो इसको रूफ्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे कि एक्स बराबर एक, अब हम वर्गमूल करते जाएंगे, ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई 1 का वर्गमूल 1, 4 के लिए 2, 9 के लिए 3, 16 के लिए 4, 25 के लिए 5 और 5 और 36 के लिए 6। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि समुच्चय ए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब आप इसको क्वेश्चन में जरूरी ये है कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा, आपका जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जरूरी है। देखिए एक दिया है, चार दिया है, 9 दिया 16 दिया 25 दिया, अभी अपनी बात हुई थी, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं अपन, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी के रूप में, गुणों के रूप में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि कैपिटल ए बराबर मंझला कोष्ठक, फिर आपको लिखना है अगर हम एक्स को संख्या माने तो एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का संग्रह, इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, तो ये प्राकृतिक संख्याएं चल रही हैं और डॉट डॉट है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का संग्रह हो गया। या फिर हम इसको और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a बराबर x सच दैट x, अब x किसके बराबर हो गया, संख्या के बराबर हो गया, n स्क्वायर, जहां n का वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग ही तो हो रहा है यहां पर, तो n स्क्वायर, जहां n belongs to capital N, मतलब जो small n है वो प्राकृतिक संख्या है, natural number को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है आपको। अब ये देखिए चौथा उदाहरण आपको, तो ध्यान देंगे इसमें क्या है कि समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर ये क्रम से देखिए कि 1, 2, फिर ये 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, इस प्रकार से क्रम से रूप में दिया है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जो अंश है हर से एक छोटा है, मतलब क्या कि यदि आपने अंश में n मान लिया तो हर एक ज्यादा हो रहा। देखिए 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, 4 का 5 हुआ, 5 का 6, 6 का 7, यानी अगर आपने अंश में कुछ लिया तो हर में एक ज्यादा ले रहे। एक ज्यादा का मतलब क्या कि n प्लस वन, अगर अंश में n लिया तो हर में एक ज्यादा यानी n प्लस वन, तो आपका समुच्चय निर्माण रूप बन गया। कैसे लिखना है आपको कि कैपिटल x ले लिया आपने और यहां पर मंझला कोष्ठक, इस प्रकार लिखा x सच दैट x बराबर n अपॉन n प्लस वन, जहां अब n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही, कहां से कहां तक, 1 से 6 तक, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 less than equal to n less than equal to 6। भाई और रूफ्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय, तो ये आपका रूफ्टर रूप दिया है, ये कौन सा फॉर्म दिया है, ये रूफ्टर फॉर्म दिया आपको, दाईं ओर समुच्चय निर्माण यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया,
सही मिलान कीजिए। अब सही मिलान करना है बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल और यहाँ पर ये प्रिंसिपल, तो क्या कर रहे हैं आप कि पहले को डी से मिला दीजिए, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जीरो दिया। अब जीरो कहाँ आएगा ये समझिए, कोशिश कीजिए कि ये देखिए कि एक्स प्लस वन बराबर एक्स दिया, इसका मतलब क्या कि एक एक को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो वन माइनस वन यानी जीरो आएगा। तो जीरो किसके लिए जा रहा है, ये दूसरे को सी से मिला दीजिए, इस प्रकार से जा रहा। अब ये देखिए एक दो तीन छः नौ अठारह, तो ये हो रहा है पहले के लिए। पहले के लिए क्यों, क्योंकि कह रहा है अठारह का भाजक। अठारह के भाजक का मतलब अठारह को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर रही हैं। अठारह को एक करेगा दो तीन छ नौ अठारह, तो ये संख्याएं डिवाइड करेंगी, तो इसको इससे मिला दी मिला दिया और चौथे का आपको निश्चित है कि ये बी सी मिल जाएगा। अब यहां देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस नौ, एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर जीरो दिया, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा नौ, और एक्स बराबर अंडर रूट नौ। अब पूर्णांक का, तो पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों संख्या होंगे, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस तीन, तो प्लस तीन और माइनस तीन बी से कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी उदाहरण है। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य का मतलब कारण देना है आपको, समुच्चय है कि नहीं है, समुच्चय है तो क्यों है, समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है, इस प्रकार से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से शुरू होते हैं, आपका जनवरी जून और जुलाई, ये जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो सीधे सीधे कर दीजिए कि ए बराबर जनवरी जून और जुलाई। अब ये संग्रह सुप्रभाषित है भाई, वर्ष में पहली बात तो 12 महीने होते हैं, वहां बात निश्चित हो गई। अब वो कह रहा है जो जैसे स्टार्ट होते हैं तो जनवरी जून जुलाई स्टार्ट होते हैं, ये निश्चित है ना, ज्यादा ना कम। तो ये कैसा आपका सुपरभाषित संग्रह है, आपको लिखना है इस प्रकार से लिख दीजिए। फिर आपको क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक सुपरभाषित संग्रह है, संग्रह एक सुपरभाषित सुपरभाषित वेल डिफाइंड सुपरभाषित संग्रह है, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है, अतः यह समुच्चय एक संग्रह है। आई होप बात क्लियर रही होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जब वहां शुरुआत में मैंने गणित की बात की थी, गणितज्ञ, तो दो लोगों के बीच में तुलना की बात हो रही। जब भी प्रतिभाशाली या सर्वाधिक विख्यात इस तरह की चीजें होती हैं तो वो समुच्चय नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि वहां पर दो लोगों के बीच में तुलना की बात हो रही। अरे भाई किसी को आर्यभट्ट पसंद है, किसी को रामानुजन पसंद है, ठीक है ना, किसी को भास्कर ब्रह्मगुप्त पसंद है। तो इसका मतलब है कि दो लोगों के बीच में जो गणितज्ञ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी की पसंद कुछ हो सकती है, किसी की पसंद कुछ हो सकती है। तो ये संग्रह सुपरभाषित संग्रह नहीं। अब आप कहें सर लिखना कैसे, तो जैसा मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखना है। ध्यान से सुनिएगा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि भारत के प्रतिभाशाली लेखकों के लिए दो लोगों में तुलना हो रही है, या दो लोगों के बीच में तुलना करने पर प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहां पर भी बात हो रही है कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो भाई किसी के लिए विराट कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, तो कहां से आप निश्चित संग्रह सुपरभाषित संग्रह नहीं बना सकते। तो यहां पर भी आपको क्या लिखना है कि दो व्यक्तियों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अलग अलग हो सकता है, यह एक सुपरभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह संग्रह समुच्चय नहीं है।
आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो निश्चित तौर पे आपकी कक्षा में जो बालक है वो निश्चित है, 10 हो, 20 हो, 15 हो, 25 हो, लेकिन निश्चित है। तो यह आपका संग्रह सुप्रभात संग्रह है और समुच्चय है। तो इसी प्रकार आपको लिख देना है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुप्रभात संग्रह है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या में बालक होंगे, यह संग्रह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो आप 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे मान लीजिए हमने एक्स ले लिया, इसके अंदर आप 1, 2, 3 कहां तक लेंगे, 99 तक। तो इस प्रकार से निश्चित निश्चित है, तो ये आप कहेंगे कि सुप्रभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये भी एक समुच्चय है। क्यों है समुच्चय, क्योंकि यहां बात कर रहे हैं लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन सी उपन्यास लिखी, वो सब गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये सब आएंगी। लेकिन यहां पर अगर वो कह देता कि सर्वाधिक विख्यात या सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, तो दो लोगों के बीच में अलग अलग अंतर आ जाता। इसका मतलब क्या कि यदि हम दो लोगों के बीच में तुलना की जब बात करते हैं तो वहां पर समुच्चय नहीं बनता है। तो ये भी आपका एक समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी आपका समुच्चय है, क्योंकि आपको पता है कि संपूर्णांक आपके 2, 4, 6 इस प्रकार से आपके आएंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में जो जो प्रश्न होंगे वो निश्चित हैं, तो ये भी आपका समुच्चय है, समुच्चय है। चूंकि सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो भाई दो लोगों के बीच में जब हम तुलना करते हैं ना, कि किसी व्यक्ति के लिए शेर खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए चीता, किसी के लिए सांप, किसी के लिए जो छिपकली और मकड़ी भी खतरनाक होती है, तो जब हम इस प्रकार की तुलना करते हैं तो यह समुच्चय नहीं बनता है। तो जब समुच्चय जब तुलना की बात होती है तो समुच्चय नहीं है, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, समुच्चय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि मान लीजिए कि ए आपको एक समुच्चय दे दिया है, मान लीजिए ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये आपको भरना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, भरिए। तो अब जो होगा उसमें आप भर देंगे, जैसे कि 5 ए में है तो यहां पर आपको क्या बनना है कि बिलोंग्स, 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स, 0 नहीं है तो ये नॉट बिलोंग्स, इस प्रकार से 4 है तो बिलोंग्स के लिए, 2 है तो बिलोंग्स के लिए, और 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स के लिए, इस प्रकार से आपको भरना है। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था। अब कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रूपटा रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 x 7 -3 x 7 इसको आपको रूपटा रूप में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, a बराबर, देखिए -3 से बड़ा और 7 से छोटा, ये संख्याएं आपको लेनी है। तो कौन कौन सी पूर्णांक में लेनी है, और तो कौन कौन सी संख्या आएंगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो गई, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो मतलब दो संख्याएं, दो अंकों की संख्या लेनी है जिनको अगर उनके अंकों को जोड़ दें तो 8 बनना चाहिए। मतलब क्या कि इसका रूपटा रूप कैसे बनेगा, देखिए 1 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 बनता है कि नहीं, तो 17, इसी प्रकार 26, फिर 35, 44, यहां पर 53, 62, 71 और 80, ये होगी आपकी दो अंकों की वो संख्या जिनको जोड़ने पर 8 आएगा योगफल। अब आप कहेंगे सर यहां पर 0, यहां 80 लिया तो यहां 08 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई 08 दो अंकों की संख्या नहीं होती है, 08 एक अंक की संख्या होती है, इसलिए यहाँ 08 नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक, तो 60 को आप डिवाइड कर लीजिए
जो 60 की भाजक, मतलब जिसमें 60 का भाग जाता है, तो 60 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो आएगा आपका 30, फिर 15, 3 से 5, 5 से 1। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 2, 3 और 5। तो आप बना रहे हैं यहाँ पर रूप्टर रूप किस रूप में, कि 2, 3 और 5 इस रूप में बना रहे हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर रही होगी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, आप एक एक अक्षर ले लेंगे, कॉमा लगाते टी आर आई जी ओ एन, ओ रिपीट नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, एम ई टी नहीं, आर नहीं और फिर वाई, इस प्रकार से। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो आपको कैसे लिखना है कि एफ बराबर बी ई। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब आपको यहां पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है और ये कह रहा है 3, 6, 9, 12। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि मान लीजिए कैपिटल एक्स बराबर, देखिए 3, 6, 9, 12, तो आप देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार से लिख रहे हैं कि x सच दैट x संख्या संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज। भाई 3 के पहले 4 गुणज है, 3 का पहाड़ा है, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं कि इसको इस प्रकार लिख रहे हैं x सच दैट x, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये ध्यान रखिए, x सच दैट x बराबर 3n, जहां मतलब 3 का n किसी संख्या के साथ गुणा कर रहा है, और वो संख्या कहां से, 1 से 4 तक, 1 less than equal to n less than equal to 4। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8, 16, 32। तो यहां ध्यान दीजिए, 2 का वर्ग 1, 2 यहां पर 2 की घात 1 है, फिर 4 को क्या लिख रहे हैं कि 2 की घात 2, 8 को लिख रहे हैं 2 की घात 3, 16 को लिख रहे हैं 2 की घात 4, 32 को लिख रहे हैं 2 की घात 5। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि x बराबर क्या हो रहा है कि x सच दैट x बराबर 2 की घात n, जहां n कहां तक जा रहा है, 1 से 5 तक। तो किस प्रकार लिखना है, 1 less than equal to n less than equal to 5, इस प्रकार से लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5, 25, 125, 625, सेम है कि 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, 5 की घात 4 है, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, इस प्रकार से। तो यहां पर भी वही लिख रहे हैं, x अगर लिखना है तो x सच दैट x बराबर 5 की घात n, जहां n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक, 1 से 4 तक है, यहां पर 5 की घात 1, 2, 3, 4, हाँ तो 4 तक, 1 less than equal to n less than equal to 4, ये इस प्रकार से लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, तो अब 2, 4, 6 देखिए ये क्या हो रहा है, ये सम संख्याओं का समुच्चय बना रहा है, तो आपको कैसे लिखना है कि x बराबर x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपको 1, 4, 9, 100। ठीक है, तो अब यहां देखिए हो क्या रहा है, ये हो रहा है 1, 4, 9, 100, इसका मतलब क्या कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और डॉट 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 कहां तक, 10 का वर्ग। तो ये क्या कर रहे हैं आप, एक्स बराबर हो रहा है x सच दैट x, x किसके बराबर हो रहा है, n स्क्वायर, ठीक है ना, किसी संख्या का वर्ग कर रहा है, वो संख्या n को बता रही है, n स्क्वायर, जहां अब कहां से कहां तक जा रही, तो 1 से 10 तक जा रही है, आप देख रहे हैं, तो 1 less than equal to n less than equal to 10, ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध
रूप में, सूचीबद्ध रूप यानी रोस्टर रूप, सूचीबद्ध रूप में लिखना है यानी रोस्टर रूप में लिखना है आपको, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि x such that x, पहला क्वेश्चन कि x such that x एक विषम प्राकृत संख्या, तो जब विषम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं तो किस रूप में लिख देंगे, विषम प्राकृत संख्या इस प्रकार से लिख जाएगी, कैसे कि भाई 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इस प्रकार से, तो ये भाई ये बन गया सूचीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। अब देखिए x such that x एक पूर्णांक है और आपको इस प्रकार से दे रहा है कि x इसके बीच में है, ठीक है, -1/2 <x_2> मतलब -1/2 छोटा है x से, छोटा है 9/2 से। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि पूर्णांक में दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम इसको 2 से भाग करते तो कितना बचता है, -0.5 बनेगा यहाँ पर, यहाँ 2 का भाग करेंगे तो 4.5, इसका मतलब इससे बड़ी और इससे छोटी संख्या लेनी है। जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, -0.5 से बड़ी संख्या क्या आएगी, 0 आएगी, 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब 4.5 से छोटी संख्या तो 4 पूर्णांक के रूप में लेना है। अगला है कि x एक पूर्णांक और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से छोटा भी और 4 के बराबर भी, और एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, संख्या का वर्ग करना है, तो उन संख्याओं को लेना है जिनका वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होती है इस सवाल में, क्या है कि उन संख्याओं का वर्ग जिनका, उन संख्याओं का वर्ग जो 4 के बराबर और 4 से कम है और पूर्णांक है। और मैंने बताया था आपको कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है, तो आपको पता है कि 0 का अगर हम वर्ग करते हैं 0 से 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा जो कि 4 से छोटा है, 1 का वर्ग और -1 का वर्ग करेंगे तो भी 4 से छोटा आएगा, और 2 का वर्ग और -2 का वर्ग 4 के बराबर है क्योंकि यहां पर बराबर का निशान भी लगा हुआ, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये आपका सी नंबर, इस प्रकार से। आई होप बात क्लियर रहेगी। डी की अगर हम बात करते हैं तो लॉयल शब्द का अक्षर, तो अब आपको ये अक्षर का तो बहुत ही आसान है, LOYA ये हो गया, ठीक है। ई की बात करें अगर तो वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो भाई गिन लीजिए 31 दिन किसमें नहीं होते हैं, देखिए फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, इसके बाद जून में नहीं होते, फिर सितंबर में नहीं होते हैं, और फिर नवंबर में नहीं होते हैं, ठीक है। तो 31 दिन नहीं होते हैं, इनमें नहीं होते, तो इस प्रकार से लिख देंगे आप। अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है, के से पहले का मतलब क्या, व्यंजन लेना और याद रखिएगा, वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, तो ए नहीं लेंगे, बी सी डी, ई नहीं, एफ जी एच आई नहीं जे, और फिर के, के से पहले कह रहा था तो इतने आ जाएंगे इस प्रकार से, भाई बी सी डी एच जे एफ जी जी एच जे जी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए जी, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट एक्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, इसको आपको मिलान करना है, मिलान करने के लिए कह रहा है तो बहुत आसान है क्योंकि अपन ने उदाहरण में मिलान किया था, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का यहाँ से मिल जाएगा, आप देख रहे हैं तीसरा चौथे से मिल गया। फिर अगर हम बात करें तो अच्छा, मिलान करने में ये ध्यान रखिए कि मिलान बहुत ही आसान है, कैसे, इस तरह से देखिए, क्यों जो समुच्चय निर्माण विधि है उसको तोड़ना आसान रहेगा। तो एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, तो अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक, तो 6 की अभाज्य संख्या कौन कौन सी डिवाइड करेंगी, 2 करेगी और 3 करेगी, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। अच्छा 6 की भाजक कौन कौन से, 6 के भाजक होते हैं 1, 2, 3 और 6, लेकिन यहां बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है और 6 भी नहीं है, तो 2, 3, तो दूसरे से 1 को मिला देंगे। अब यहां देखेंगे कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये है 1, 3, 5, 7, 9, तो इससे इसको मिला दिया। और आखिरी बची है कि एक प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक,
तो एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे, छह की बात है, तो एक दो तीन छह, इस प्रकार से अभी बात हुई थी अपनी। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।